नमस्कार अपना साय आज खबर सविशेष स्टुडियो मैं प्रियंका यह मुहूर्त एक ब्रेकिंग न्यूज केरलत विमान दुर्घटनाग्रस्त संघटित विमान बंदर अवतरण समयते दुर्घटन पतित है एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान केजिकोडर कारिकोर विमान बंदर संघटित घटना विमान दुर्घटन एगी पायलट सह निहत दुगी जी डुबईर एश चौराशीगी जी केरलत उपस्थित हर समयते रानवे पिछली दुर्घटन पतित है विमान दुर्घटन विमान व्यस्त क्षति साधन हर आहत जीसो ततक कारिकपुर विमान बंदर उपस्थित है चौबीस एम्बुलेन्स तथा चिकित्सक दल आहत जीस भर्ती करवा चिकित्सालय ब्रेकिंग न्यूज यह मुहूर्त एक गुरुत्वपूर्ण खबर केरलत विमान दुर्घटनाग्रस्त विमान बंदर अवतरण कर समयते दुर्घटन पतित है एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान कोझिकोडर कारिपुर विमान बंदर संघटित दुर्घटन विमान दुर्घटन एगी पायलट सह निहत दुगी जी केंबाजनों लोक आहत डुबईर एश चौराशीगी जी केरलत उपस्थित हर समयते रानवे संघटित है यह दुर्घटन रानवे पिछली दुर्घटन पतित है विमान दुर्घटन विमान क्षति हर कईगढ़ जी आहत ततक सकुके एम्बुलेन्स और चिकित्सक दल उपस्थित है और चिकित्सालय भर्ती कर दृश्य अपना देखे टेलीविजन स्क्रीन कईबाखनो एम्बुलेन्स ततक उपस्थित है और जी हस्पिटल ला है डुबईर आश चौराशीगी जी केरलत उपस्थित हर समयते दुर्घटन संघटित है रानवे पिछली पड़े विमान केरलत संघटित दुर्घटन एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटन संघटित कईबागी जी रक्षा पड़े आहत कि दुगी जी निहत है पायलट सह दुगी जी निहत है मुहूर्त संयुक्त केरलार सांबा मनु भारत विमान बंदर अवतरण कर समयते दुर्घटन पतित है एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान विषय सविशेष जानी आम कथा पातीम आमार केरलार सांबा मनु भारत आपके पास क्या खबर है अभी जो एक्सीडेंट हुआ है विमान का उसमें दो पैसेंजर थे जो डेड हुआ है जिनका अभी और कुछ है क्या आपके पास अधिक जानकारी और क्या है जी 740 को लैंड करने वाले थे और कम से कम 30 फीट से ऊपर से उनका टेक्निकल फॉल्ट हो गया और मौसम के वजह से उनका लैंडिंग वगैरह तो मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों एयरक्राफ्ट ने क्रैश लैंडिंग किया पूरा जो फ्रंट एरिया पब्लिक है वो पार्ट होकर टेयर हो चुका है और इसमें से कैशुअलिटी पायलट है उसका नाम सीधा दीपक जो दीपक ही हैज एक्सपायर्ड उनका मृत्यु हो चुका है और डिटिक एडमिशन वगैरह उधर रश कर चुका है और एम्बुलेंसेस वगैरह बिन रश टू द स्पॉट और जो लोग है उसमें अफेक्टेड है उसको मेडिकल अटेंशन देने के लिए उसका अभी प्रयास है आसपास में है एक मंजरी मेडिकल कॉलेज 12 लोग उधर मंजरी मेडिकल कॉलेज में भी हाँ 184 पैसेंजर थे जिसमें दो लोग मारे गए हैं और बाकी जो पैसेंजर थे उनका क्या हाल है अभी अभी उसमें उसका कुछ लोगों को सीरियसली हार्ट हो चुका है लेकिन कैजुअलिटी हमें ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऐसा मिल रहा है कि कैजुअलिटी ज्यादा नहीं होगा लेकिन पूरे ध्यान अभी बच्चे लोग के लिए अभी 10 बच्चे एयरक्राफ्ट में जिसमें 190 टोटल पैसेंजर्स थे उसमें 10 बच्चे हैं उसमें सब लोगों को अभी उधर से इवैक्यूएट करके अभी सामने वाले जो अस्पताल है उधर अभी ट्रीटमेंट दे चुका है निम्स हॉस्पिटल है सामने उसमें 8 लोगों को उसका उधर उनका ट्रीटमेंट दे चुका है और बाकी लोगों को मंजरी मेडिकल कॉलेज
लेकर ऑल सीनियर ऑफिशियल सब उधर रेस्क्यू ऑपरेशन को नेतृत्व दे रही है और मिनिस्टर्स भी उधर आए गए। आईजी रेंज आईजी कैलकट रेंज आईजी वगैरह उधर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उधर शामिल है और कलेक्टर गौरीपुर कलेक्टर भी उधर है और सब लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के तैयारी में है। कम से कम 30 एम्बुलेंस सेवा अभी डिस्कशन यात्रियों को इवैक्यूएट करने के लिए देख चुका था। फायर इंजन एक पहला प्रॉब्लम ये थे कि जब क्रैश हो गया है फियर ऑफ स्मोक इसलिए वो भाग लेने के लिए लग जाएगा एक फियर थे, लेकिन इमीडिएटली फायर फाइटिंग टीम एयरपोर्ट का जो उधर आके फायर कंटेन करने के लिए वो कोशिश किया, फिर वो सफल भी हो चुका है। उस एयरपोर्ट में जो सक्सेस हो गया है इसलिए कैजुअलिटीज कम करने के लिए जो प्रयास किया है वो किया है, लेकिन जो पायलट का जो एक्सीडेंट जो इंजरीज बहुत सीरियस थे क्योंकि वो एयरक्राफ्ट के फ्रंट पार्ट में पूरा डैमेज हो चुका है, दो पोर्शन का स्पेयर हो गया है, पूरा डैमेज हो गया इस तरह उनका इंजरी इस तरह हो गया है। हाँ, क्या कारण हो सकता है इस एक्सीडेंट का, कुछ आपके पास कुछ ऐसा खबर आया है कि आपने बात किया था, क्या रीजन हो सकता है, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर क्या है, कुछ ऐसे कुछ पता चला है क्या? बारिश हो भारी भारी এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কেৰালাত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সংঘটিত হৈছে। বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে আৰু জানিবলৈ পৰা মতে বৰষুণ হৈ আছিল সেইখিনি সময়ত, আৰু সেইখিনি সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এক্সপ্ৰেছৰ বিমানখন। কোজিকোডৰ কাৰিপুৰ বিমানবন্দৰত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো। বিমান দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী পাইলটসহ নিহত হৈছে দুগৰাকীকৈ যাত্ৰী। ডুবাইৰ পৰা 184গৰাকী যাত্ৰী লৈ আহি আছিল এই বিমানখনে, তাৰপিছত কেৰালাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ৰানৱেত পিছলি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন। সেইখিনি সময়ত প্ৰচুৰ বৰষুণ আছিল আৰু সেই বৰষুণৰ বাবে হয়তো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ভাবিছে। আৰু দুৰ্ঘটনাত বিমানখনৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আহত হৈছে। ততাতৈয়াকে যাত্ৰীসকলক কাৰিপুৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় 24 এম্বুলেঞ্চ আৰু চিকিৎসালয়ত যাত্ৰীসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হয়। চিকিৎসকৰ দল আহি উপস্থিত হয়, এম্বুলেঞ্চ আহি উপস্থিত হয় আৰু তাতে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰা হয় আৰু কিছুমানক লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ। আহত যাত্ৰীসকলক ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত। নিহত হৈছে এগৰাকী পাইলটসহ দুগৰাকীকৈ যাত্ৰী নিহত হৈছে আৰু কেইবা সংখ্যক যাত্ৰী আহত হৈছে। আমি এই বাতৰি আগবঢ়াই লৈ যাম। এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ, ডুবাইৰ পৰা আহি থকা এখন বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। 184গৰাকী যাত্ৰী লৈ আহি আছিল কেৰালাৰ পৰা, কিন্তু কেৰালাত আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগতে ৰানৱেত পিছলি পৰে আৰু বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। খবৰ সবিশেষ কেনেদৰে অব্যাহত থাকিব, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা সৰু বিৰতি।